हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए शिफ्ट टू LIC का जो असिस्टेंट का है, शिफ्ट टू का एनालिसिस। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे आपके। शिफ्ट टू का पेपर शिफ्ट वन से ज़्यादा जो है डिफरेंट नहीं बना, लेकिन कुछ थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है, वो मैं हम कर लेते हैं। आप देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन से जो चेंज हुए हैं शिफ्ट टू में शिफ्ट वन से। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है आपकी आई थी 5 नंबर की, सेम थी जैसे पहले आया था। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट्स थे, न्यूमरल्स थे और आपके सिंबल्स थे, ठीक है। अल्फ़ाबेट, न्यूमरल्स एंड सिंबल्स नंबर्स थे, अल्फ़ाबेट्स थे और सिंबल्स थे। जैसे कि 2, 3, 5 कोई सिंबल दे रखा है, FGH, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो है सीरीज चल रही थी और इस पे आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर आपका इनइक्वालिटीज थी, इनइक्वालिटीज के ऊपर आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, इनइक्वालिटीज थी आपकी। देन आपका सिलोजिज्म जो है, आपका सिलोजिज्म था जिसके आपके 4 क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। मैं आपको बोलूंगी इनइक्वालिटी के 3 से 5 क्वेश्चंस थे आपके, ओके। इनइक्वालिटी के 3 से आपके 5 क्वेश्चंस थे और आपके सिलोजिज्म के जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। सिलोजिज्म 4, इनइक्वालिटी 5। फिर आपका जो है जो ये 5 3 डिजिट का था, है ना, 5 क्वेश्चन जो 3 डिजिट के आए हुए थे आपके, ये आपके 5 जो है ये अल्फाबेट बेस्ड आए थे, 3 डिजिट के नहीं थे। शिफ्ट टू में जो है आपके ये अल्फाबेट बेस्ड थे, ओके। अल्फाबेट बेस्ड कैसे, जो डिजिट्स वाला था वो हमने ऐसे देखा था, 2 1 2 3 1 5 4 1 4, है ना, 415 682, इस तरीके से डिजिट्स वाले थे ये, इसमें से क्वेश्चंस बने थे। लेकिन अल्फ़ाबेट में जो है आपके इस तरीके से दे रखा है, जैसे ABCHEFDEI, इस तरीके से आपकी जो है सीरीज दे रखी थी और इस पे आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि वॉवल में प्लस एड प्लस वन कर दीजिए, कॉन्सोनेंट में माइनस वन कर दीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, है ठीक है। इस तरीके से आपके कितने सारे क्वेश्चन थे कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं इसमें, तो इस तरीके की आपकी जो है ये आया था। तो यहाँ पर आया था आपका चेंज, ठीक है। जहाँ जहाँ चेंज आया है वहाँ मैं आपको मार्कर से एक बार वो कर देती हूँ, ये आया था इस वाले क्वेश्चन में चेंज। ब्लड रिलेशन जो है इस बार नहीं पूछा गया, ये देखिए ब्लड रिलेशन नहीं पूछा गया है यहाँ पर। ब्लड रिलेशन की जगह आपके क्वेश्चन आए हैं डायरेक्शन के, ओके। डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ब्लड रिलेशन नहीं पूछा गया, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं आपको बोलूँगी ईजी से मॉडरेट थे, ईजी टू मॉडरेट, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जो है लेंथी था, कैलकुलेटिव था, लेंदी भी था प्लस में कैलकुलेटिव था, ठीक है। तो इसलिए इजी से जो है मॉडरेट ये जो है हमारे क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पर चेंज हो गया एक, आपका एक चेंज हो गया यहाँ, बाकी ये 3 चीज़ें जो हैं ये सेम रही हैं शिफ्ट टू में, ओके। चलते हैं अब आगे, देखते हैं आपके पजल्स में कितना चेंज आया है, पजल्स में देखते हैं कितना चेंज आया हुआ है। चलिए तो पजल्स, जैसे कि मैंने सुबह की शिफ्ट में कहा था, शिफ्ट वन में 3 पजल्स थी। सिमिलरली शिफ्ट टू में भी आपकी 3 पजल्स आई हैं, 3 पजल्स हैं, लेकिन कौन कौन सी आई हैं वो अभी हम देख लेते हैं कि 3 पजल्स में से आपके 3 पजल्स कौन सी आई हैं। पहली पजल जो आई है आपकी वो आई है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है। पजल में क्या क्या चेंज आया है लेट्स सी। तो ये है आपकी पजल, सुबह की जो शिफ्ट थी शिफ्ट वन थी उसमें आया था सेंटर फेसेड, ठीक है। डेज आए थे आपके मंडे टू संडे जो है, और आपका एक पजल आई थी 2 फ्लैट थे जिसमें 4 फ्लोर्स थे, ठीक है। अब इस बार जो आपकी पजल्स आई हैं उसमें क्या क्या आया है आपका, 15 नंबर की थी ये, ईजी टू मॉडरेट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी आई हैं सबसे पहले एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आया है दिन की तरह, ठीक है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, 8 लोग हैं जो अंदर देख रहे हैं, इनसाइड फेसिंग, ठीक है। यहाँ पर डेज वाला क्वेश्चन नहीं आया है, ये नहीं आया है आपका, यहाँ पर आया है आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है आपके, 8 लोग दे रखे हैं और जो कि देख रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, ओके। ये है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, 8 लोग हैं नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं आपके, इस तरीके की आपकी जो है पजल आई हुई है। फिर आपका ये जो फ्लोर बेस्ड है ये नहीं आया है सेकंड शिफ्ट में, इसकी जगह आपका आया हुआ है बॉक्स बेस्ड पजल,
बॉक्स बेस्ड, 8 बॉक्सेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। मैं अब इसमें आपका कोई भी वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें भी सब इनसाइड देख रहे हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो बहुत ही ईजी थी बन जाएगा ये भी। इसमें भी कितना है, 8 बॉक्सेस दे रखे हैं, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां बॉक्स 8, ठीक है। तो ये आया है आपका शिफ्ट 2 में रीजनिंग की, उसमें चेंजेस। अब रीजनिंग का जो आपका गुड अटेम्प्ट है, मिनिमम अटेम्प्ट आपका जो मुझे लगता है अटेम्प्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 27 क्वेश्चंस। ओके, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है पर मिनिमम 27 है, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे और ईजिली थे, डूएबल थे सारे के सारे, ठीक है। चलते हैं अब मैथ्स में, मैथ्स में कितना चेंज आया है, लेट्स सी। तो मैथ्स में मॉर्निंग की तरह ही, शिफ्ट 1 की तरह ही आपका एक डीआई आया है, डीआई ग्राफ 5 क्वेश्चंस का, जो कि सेम है, ठीक है। चलते हैं इसमें, डीआई आपका आया है 5 नंबर का, अच्छा है, इजी है, डुएबल है। सिंप्लीफिकेशन के सुबह की तरह ही, फर्स्ट शिफ्ट की तरह ही आपके जो हैं क्वेश्चंस आए हैं सिंप्लीफिकेशन के 15, ये भी इजी हैं, डुएबल हैं। नंबर सीरीज जो हैं हमारे 5 क्वेश्चंस थे, इसमें हमारे जो मॉर्निंग की थी इसमें मिसिंग नंबर था, ठीक है। लेकिन इस वाली शिफ्ट में, सेकंड वाली शिफ्ट में जो है आपकी आई हुई है रॉन्ग नंबर सीरीज आई हैं, और जो कि 5 नंबर की, ठीक है, ईजी है, ये भी डुएबल थी। अर्थमेटिक में आपके क्वेश्चन वही सेम आए हुए हैं, 10 क्वेश्चन थे आपके, वो 10 स्ट्रीम के थे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, रेशियो, ठीक है, और आप क्या है, टाइम एंड वर्क और एलिगेशन। तो ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश में क्या चेंज हुआ है। यहाँ जो मैथ्स में जो चेंज हुआ है, मैथ्स में चेंज हुआ है नंबर सीरीज में, मॉर्निंग की शिफ्ट में जो यहाँ पर था वो मिसिंग नंबर था और अब आया है ये रॉन्ग नंबर। चलिए अब चलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में देखते हैं क्या क्या चेंज आया हुआ है आपका। इंग्लिश का एज यू नो क्वालिफाइंग नेचर है, तो अगर आप 10 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तब भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में आया है आपका एक अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो है ये स्टोरी बेस्ड था, ठीक है, स्टोरी बेस्ड आया है ये, स्टोरी बेस्ड। 10 क्वेश्चन नहीं आए इसमें, 7 क्वेश्चंस आए हैं, मॉर्निंग में 10 थे और ये शायद डक के ऊपर एक स्टोरी थी। फिर आया है आपका इसी तरीके से एक क्लोज टेस्ट और आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्लोज टेस्ट आया है, एक क्लोज टेस्ट कह लीजिए, या फिर ये भी एक पैसेज बेस्ड ही क्वेश्चन आया है, पैसेज बेस्ड, ये भी आपका स्टोरी बेस्ड आया है, ठीक है, स्टोरी बेस्ड। और ये भी आपका कितने मार्क्स का आया है, ये 5 मार्क्स का आया है, 5 मार्क्स का। ये ईजी था आपका, ये भी ईजी है आपका, ठीक है। देन यहाँ पर आपका एरर डिटेक्शन, स्पॉटिंग एरर्स, एरर डिटेक्शन आया है आपका 5 मार्क्स का, इजी आया है ये भी। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया है आपका, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, हाँ, एक आपके आए हैं फिलर्स, जिसको आप वर्ड यूसेज भी कह सकते हैं, फिलर्स आए हुए हैं आपके, फिर आपके स्पेलिंग मिस्टेक आई हुई है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या देखा था, ये करेक्ट सेंटेंस आपका नहीं आया है इस बार आपका आया हुआ है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, या फिर आप कह लीजिए इसको स्पेलिंग मिस्टेक। ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं 3 क्वेश्चंस। अब ये किस तरीके से आया हुआ है आपका, जैसे कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया गया है, ठीक है, कोई सेंटेंस दे दिया गया है, एक चीज़ आपको हाईलाइट कर दी गई है, नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, इस तरीके से आपने जो है स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन आए हुए हैं, इफ आई एम करेक्ट, तो 3 क्वेश्चन इसके आए हुए हैं आपके पास। रीअरेंजमेंट के हो गए आपके पास, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास। एरर डिटेक्शन हो गया, एरर डिटेक्शन ईजी था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी ईजी था आपका, स्पेलिंग मिस्टेक वाला ईजी था आपका, ठीक है। फिलर्स हैं आपको, फिलर्स भरने थे आपको, फिलर्स के आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, फिलर्स 2 क्वेश्चन जो कि इजी आए हुए हैं, ठीक है। या आप कैसे, कौन सा वर्ड इसमें यूज होगा, वर्ड यूसेज वाले 2 से आपके 5 क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ड यूसेज ये आपके 2 से 5 क्वेश्चन है, 2 से 5 जो बच्चे बता रहे हैं, ठीक
ठीक है, एरर डिटेक्शन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, एक क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, जो यहाँ पर इस बार नहीं आया है वो आया है फाइंडिंग करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस का आपका नहीं आया है, इसकी जगह आपका स्पेलिंग मिस्टेक का आ गया, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट किस तरीके से करना है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक वाला इसमें क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी स्पेलिंग इसमें करेक्ट होगी। ओके, तो ये था शिफ्ट टू का एनालिसिस, ये थे कुछ चेंजेस जो कि शिफ्ट टू में हुए हैं शिफ्ट वन से लेके। तो अब जब शिफ्ट थ्री का आएगा आपका तो उसका एनालिसिस हम देते हैं, तो तब तक के लिए बाय। तो ये था सारा चेंज, चलो टेक केयर।